हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड क्वालिटी क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट 2.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वालिटी क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वालिटी क्वेश्चन के रूट निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू जीरो। इसे हम फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके से फैक्टराइज करेंगे। उसका रूल क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 54 इंटू 1 54 हो गया। अब 54 के दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं आपको, जिसको ऐड करने से हमारा मिडिल का टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने से हमारा 54 आ जाए। ठीक है, अगर मैं वो फैक्टर लेता हूँ -9 और -6, -9 और -6 वगैरह ऐड करेंगे आप तो -15 हो जाएगा, और अगर -9 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 54 हो जाएगा। तो जहाँ -15x है वहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर -9x -6x। तो लिखिए एक्स स्क्वायर -9x -6x प्लस 54 इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस नाइन, और इन दोनों में से -6 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस नाइन। इन दोनों में एक्स माइनस नाइन कॉमन है, कॉमन ले लीजिए आप, तो एक्स माइनस नाइन इंटू एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। इधर दिस जीरो और दिस जीरो, एक बार इसे जीरो करेंगे एक बार इसे जीरो करेंगे, तो एक्स माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया 9। एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया 6। इसके रूट क्या क्या हो गए 9 एंड 6। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। सेम रूल अप्लाई करना है, यहाँ पे सी क्या है -20, साइन भी साथ लेना होता है -20, और यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो -20 इंटू 1 -20। तो -20 के दो ऐसे फैक्टर आपको निकालने हैं जिसको सम करने से एक्स आ जाए 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से हमारा -20 आ जाए। अगर मैं एक फैक्टर लेता हूँ 5 और दूसरा फैक्टर लेता हूँ -4 20 का, तो 5 - 4 क्या होता है 1, तो ये भी मिडिल आ गया। 5 इंटू -4 -20, तो सेटिस्फाई हो गया। तो जहाँ पे x है वहाँ पे लिखेंगे 5x - 4x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 4x - 20 इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में से -4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। एक्स प्लस 5 दोनों में कॉमन है, बचा क्या एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो इधर दिस जीरो और दिस जीरो, तो एक बार इसे जीरो करेंगे एक बार इसे जीरो करेंगे, तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू -5। एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू 4। तो दो रूट क्या क्या हो गए इसे -5 और 4। पार्ट 3 है 2y² + 27y + 13 = 0। इसे फैक्टराइज करना है, तो कांस्टेंट टर्म 13 है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 2 है, तो 13 × 2 = 26। तो 26 के दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसको सम करने से 27 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 26 आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं लेता हूँ 26 और 1, ये दोनों इसके फैक्टर हैं, तो 26 + 1 = 27, 26 × 1 = 26। तो जहाँ पे 27y है वहाँ पे लिखेंगे 26y + y। प्लस 13 = 0। यहाँ से आप 2y कॉमन निकाल लो, तो y प्लस 13 हो जाएगा, और इन दोनों में से 1 कॉमन निकाल लो, y प्लस 13 दोनों में कॉमन है तो निकाल लेते हैं, तो 2y + 1 = 0। तो इधर दिस जीरो और दिस जीरो, तो एक बार इसे जीरो करते हैं, y + 13 = 0। यहाँ से y क्या हो गया -13। 2y + 1 = 0, तो 2y = -1, y = -1/2। तो y की दो वैल्यूज़ आ गए, कौन कौन से वैल्यूज़ आए, -13 और -0.5। फोर्थ पार्ट है 5m² = 22m + 15। इसको इस तरफ ले आओ पहले आप, तो 5m² - 22m + 15 = 0।
यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म 15 है और यहाँ पे एम स्क्वायर कोफिशिएंट 5 है, तो 15 इंटू 5 करेंगे हम तो क्या होगा 75। अब 75 के दो ऐसे फैक्टर निकाल लें जिसको सम करने से -22 आए, अब मल्टीप्लाई करने से 75 आ जाए। तो अगर मैं लेता हूँ -25 और 3, -25 प्लस 3 -22 और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 75, लेकिन हम -75 लेकिन हमें क्या चाहिए था 75। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, इस तरफ जब जाएगा 15 तो ये -15 होगा, हमारे पास जो वैल्यू होगी वो -75 होगी। अब ये हो जाएगा क्योंकि -25 प्लस 3 करेंगे तो -22 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -75 आ जाएगा, तो जहाँ -22 एम है वहाँ पे ये डाल देंगे। एम स्क्वायर -25 एम प्लस 3 एम -15 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में से 5 एम कॉमन है तो m माइनस 5, और इन दोनों में से 3 कॉमन है तो m माइनस 5 इक्वल टू 0। m माइनस 5 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, m माइनस 5 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। इधर दिस 0 और दिस 0, एक बार करेंगे हम m माइनस 5 को 0 तो m इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, और अब करेंगे हम 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 तो 5m इक्वल्स टू माइनस 3, m इक्वल्स टू -3/5। तो इस केस में जो रूट आया, रूट क्या आया, m इक्वल्स टू 5 एंड -3/5। फिफ्थ पार्ट है 2x² -2x प्लस हाफ इक्वल टू 0। पहले तो ये जो फ्रैक्शन है इसे हटाना है, हम क्या करते हैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 4x² -4x प्लस 1 और 2 × 0 तो 0 हो गया, ठीक है। अब इसे फैक्टराइज करना है हमें, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म 1 है और यहाँ पे क्या है 4 है, तो 1 × 4 4, तो 4 के दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसको सम करने से -4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाए, तो -2 प्लस -2 -4 -2 × -2 4, लिख लीजिए 4x², जहाँ 4x है आप लिखेंगे -2x -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में 2x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए तो 2x माइनस 1, इन दोनों में से आप माइनस 1 कॉमन ले लीजिए 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इधर दिस 0 और दिस 0 दोनों ही सेम है तो दोनों में वैल्यू सेम ही आएगा, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू हाफ। इस केस में भी वही है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इस केस में भी x जो है वो हाफ आएगा। इस इक्वेशन के दो रूट क्या क्या हो गए, हाफ एंड हाफ। सिक्स्थ पार्ट है 6x माइनस 2/x इक्वल्स टू 1, x एलसीएम आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6x² माइनस 2 इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 2, 6x² माइनस 2 इक्वल्स टू x, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज करना है हमें, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है माइनस 2, यहाँ पे कोफिशिएंट x क्या है 6, तो माइनस 2 इंटू 6 माइनस 12, इसके दो फैक्टर निकालें इसको सम करने से माइनस एक्स आएगा और मल्टीप्लाई करने से माइनस 12, तो माइनस 4 और 3, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 12 आ जाएगा, तो ठीक है 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2x कॉमन है तो 3x माइनस 2 और इसमें से 1 कॉमन है तो 3x माइनस 2 दोनों में कॉमन है तो 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर दिस 0 और दिस 0, मैं इस पार्ट को भी यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/3। दूसरा क्या है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0,
2x इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू। इस केस में जो दो रूट आए हैं वो रूट क्या हैं, टू अपॉन थ्री एंड माइनस वन अपॉन टू। सेवेंथ पार्ट में आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन, और एक्टिविटी है कुछ यहाँ पे गिवन है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, उसको फिल करना है। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, आप खुद से फील कर लेना उसे। इक्वेशन है रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल टू ज़ीरो। प्रोसेस वही रहेगा, कॉन्स्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऐसे थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइव रूट टू इंटू टू, रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू इंटू रूट टू टू, फाइव इंटू टू टेन हो गया। तो टेन के दो ऐसे फैक्टर निकालने, इसको सम करने से सेवन आता है और मल्टीप्लाई करने से टेन आता है। फाइव और टू सम कीजिए सेवन आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए टेन आ जाएगा, यहाँ डाल दीजिए। तो रूट टू एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिखता हूँ फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ एक्स कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो रूट टू एक्स प्लस फाइव, इन दोनों में क्या कॉमन है, रूट टू कॉमन है प्लस रूट टू। तो जब टू को रूट टू से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट टू। तो यहाँ पे आ गया रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। रूट टू एक्स प्लस फाइव दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, रूट टू एक्स प्लस फाइव बचा क्या, एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू ज़ीरो। तो इधर दिस जीरो और दिस जीरो, तो एक बार इसको ज़ीरो कर दे रहे हैं, तो रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, रूट टू एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव, एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव अपॉन रूट टू। इस केस में एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू ज़ीरो है, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट टू। क्वेश्चन एट है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट सिक्स एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, थ्री इंटू टू सिक्स हो गया, सिक्स के दो फैक्टर निकालने हैं जिसको सम करने से ये मिडिल का टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने से सिक्स आ जाए। तो अगर मैं लेता हूँ थ्री रूट टू, इसको देखिए ऐसे हो जाएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ रूट थ्री एक्स होल स्क्वायर, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री होता है ए स्क्वायर, और रूट टू को लिख रहा हूँ मैं रूट टू होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस टू इंटू ए इंटू बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये टू रूट सिक्स एक्स हो गया, तो आ गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के फॉर्म में है। मीन्स ये क्या है, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू का होल स्क्वायर है, रूट थ्री एक्स यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ज़ीरो होगा। तो इसको मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ एक बार और, थ्री एक्स माइनस रूट टू, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू ज़ीरो। इधर दिस ज़ीरो और दिस ज़ीरो दोनों सेम ही है, तो रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू ज़ीरो, तो रूट थ्री एक्स इक्वल्स टू रूट टू, एक्स इक्वल्स टू रूट टू अपॉन रूट थ्री, सेम होगा इस केस में, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स क्या आएगा, रूट टू अपॉन रूट थ्री। तो इस इक्वेशन के दोनों ही केस में रूट जो है, रूट क्या है, अंडर रूट अपॉन रूट थ्री एंड अंडर रूट अपॉन रूट थ्री। क्वेश्चन नाइन है टू एम इंटू एम माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल टू फिफ्टी, तो टू एम स्क्वायर माइनस फोर्टी एट एम इक्वल्स टू फिफ्टी, इसको इस तरफ ले आओ। तो टू एम स्क्वायर माइनस फोर्टी एट एम माइनस फिफ्टी इक्वल टू ज़ीरो, तो माइनस फिफ्टी इंटू टू माइनस हंड्रेड। तो आपको माइनस हंड्रेड के दो ऐसे फैक्टर निकालने होंगे, सो सम करने से माइनस फोर्टी एट आ जाए और मल्टीप्लाई करने से माइनस हंड्रेड आ जाए। ठीक है, माइनस फिफ्टी और प्लस टू, माइनस फिफ्टी प्लस टू माइनस फोर्टी एट, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हंड्रेड आ जाएगा। तो जहाँ पे माइनस फोर्टी एट एम है वहाँ पे लिखेंगे माइनस फिफ्टी एम प्लस टू एम माइनस फिफ्टी इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों में से 2m कॉमन आ रहा है, तो m माइनस ट्वेंटी फाइव, और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है m माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू ज़ीरो,
दोनों में से m माइनस 25 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए माइनस 25, 2m प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो, तो इधर दिस जीरो और दिस जीरो, एक बार हम m माइनस 25 को ज़ीरो करते हैं तो m क्या हो गया 25, यहाँ पे 2m प्लस 2 को ज़ीरो करेंगे तो 2m इक्वल्स टू माइनस 2, m इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 2 दैट इज़ माइनस 1, तो इस केस में m की जो दो वैल्यू आ गई वो आई 25 एंड माइनस 1। क्वेश्चन 10 है 25m स्क्वायर इक्वल्स टू 9, इसको इस तरफ ले आओ आप, तो 25m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, इसको मैं लिख रहा हूँ 5m का होल स्क्वायर और इसे लिख रहा हूँ मैं 3 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, है इसको हम लिख सकते हैं 5m माइनस 3 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इधर दिस जीरो और दिस जीरो, तो 5m माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 5m इक्वल्स टू 3, m इक्वल्स टू 3 अपॉन 5, 5m प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 5m इक्वल्स टू माइनस 3, m इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 5, तो इस केस में जो m रूट आई है वो है 3 अपॉन 5 एंड माइनस 3 अपॉन 5। क्वेश्चन 11 है 7m स्क्वायर इक्वल्स टू 21m, इसको इस तरफ ले आओ आप, तो 7m स्क्वायर माइनस 21m इक्वल टू 0, 7m दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या m माइनस 3 इक्वल टू 0, इधर दिस 0 और दिस 0, तो 7m इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 0 अपॉन 7 दैट इज 0, m माइनस 3 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 3, इस केस में m की दो वैल्यू आई है 0 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 12 है m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिखिए m स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 होल स्क्वायर लिख सकते हैं 11 को इक्वल टू 0, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है तो लिखेंगे a माइनस b इंटू a प्लस b 0, इधर दिस 0 और दिस 0, एक बार हम करेंगे m माइनस अंडर रूट 11 इक्वल टू 0, m इक्वल्स टू अंडर रूट 11, m प्लस रूट 11 इक्वल टू 0, तो m इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 11, इस केस में जो m की दो वैल्यू आई है वो आई है अंडर रूट 11 एंड माइनस अंडर रूट 11।